एसएसटीवी देख रहे सारे दर्शकों को अमित पाल की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर हैं अमित दत्ता, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, और आज हम उनसे बात करेंगे एलर्जीज पे। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। पिछली वीडियो में उन्होंने हमें आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन दिया था, तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी ज़रूर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आयुर्वेद के बारे में पिछले वीडियो में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दी थी, उसमें ब्रीफली आइडिया दिया था कि व्हाट इज़ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा सिंपल, इट इज़ ए मेडिकल साइंस बेस्ड ऑन द प्लांट्स, नेचुरल साइंस है और प्लांट्स से ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, कि मेडिसिनल प्लांट है उसको यूज़ किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे एलर्जी पर, कि एलर्जी क्या है, इसके आयुर्वेद में क्या कारण है, हम कैसे एलर्जी को क्योर कर सकते हैं और ये क्योरेबल है या नहीं है। तो डॉक्टर मैं आपसे पहले से पूछना चाहूँगा कि एलर्जी क्या होती है और किस किस किस्म की एलर्जी होती है। कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी में इनकम्पैटिबल है, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे वो लगाने वाली हो, चाहे वो पहनने वाली हो, अगर वो आपकी बॉडी को सूटेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो वो एलर्जी करेगी। ओके, अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है कि न्यू बॉर्न्स और एडल्ट्स को दोनों की एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे न्यू बॉर्न है वो तो अभी नया इस दुनिया में आया है, तो वो कैसी एलर्जी उसको होती है और क्या कॉमन है उनमें? न्यू बॉर्न में ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे पास रूटीन में केसेस आते हैं, बच्चा 2 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, और उनको एलर्जीज होती हैं, काफ़ी कॉमन है उनमें। तो उनके पेरेंट्स भी ये जानने को हमेशा तैयार रहते हैं, इच्छुक होते हैं कि ये एलर्जीज हुई क्यों, क्योंकि बच्चा तो अभी कुछ खा ही नहीं रहा। तो अगर फूड से एलर्जी है तो वो फूड तो अभी खाया ही नहीं, तो एलर्जी कैसे हुई? तो इसमें मेन रोल है मदर का आता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द फीमेल जो है ना, वो ज़्यादातर जंक फूड की तरफ ध्यान देती हैं, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देती। उनका ये होता है कि इजीली अवेलेबल फूड है उसको खा लिया। तो उसमें ये नहीं है कि ये फैक्टर जो है बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिशन बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वही न्यूट्रिशन बच्चे को जाएगी। तो अगर डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा जाए और प्रॉपर अपनी केयर की जाए, तो बच्चे में ये एलर्जी आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि जो आपने फूड खाया वो न्यूट्रिशन में प्रॉपर नहीं था, अंडर न्यूट्रिशन था, तो वही अंडर न्यूट्रिशन फूड ब्लड के थ्रू बच्चे को गया और उसी के साथ उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि बच्चों में एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, जेनेटिक फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है, और कई कहते हैं कि हाँ इट इज़ ओनली जेनेटिक फैक्टर कि जिसके कारण बच्चों को एलर्जी हो गई, पर जेनेटिक फैक्टर सिर्फ एक कारण है जिसका 15-20% रोल है। अगर आपकी बॉडी में वो जीन्स है और आपकी डाइट और अदर एक्टिविटीज़ उस जीन को बढ़ाने में और हेल्प कर रही है, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है ज़्यादा बढ़ रही है, वो रिसेसिव नहीं है, वो एक्टिव होता जाएगा और वो जेनेटिक इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा डिजीज़ को पैदा करने में, और एलर्जी उससे और बढ़ती जाएगी, तो बच्चे के अंदर एलर्जन्स और पैदा होते जाएंगे। तो डॉक्टर अब जैसे न्यू बॉर्न है उसकी एलर्जीज के बारे में आपने बताया, तो आयुर्वेदिक कैसे हेल्प करेगा मुझे और उस माँ को या उस बच्चे को कि हम उसको उस बीमारी से दूर रख सकें, और आयुर्वेदिक का क्या मेन रोल क्या है? आयुर्वेदिक जो है वो नेचुरल साइंस है, वो कहते हैं कि आपने नेचुरल चीज़ों को खाना है, नेचुरल बिहेव करना है और नेचुरल इन्वायरमेंट में रहना है। आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ फूड, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, ये तीनों प्रॉब्लम करता है आपके डिजीज़ के लिए। अगर प्रोसेस्ड फूड की जगह घर में फ्रेश फूड बनाया जाए, दिस इज़ द गुड फॉर ऑल, फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उनके लिए नहीं, हर किसी के लिए ये अच्छा फूड है। क्योंकि फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना या स्वाद के लिए नहीं खाना, जब वह स्वाद और पेट भरने से ऊपर सोचेंगे, अपने न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को सोचेंगे, तो वो फूड आपके लिए अच्छा होगा। सो डॉक्टर सब ये तो हो गया न्यूबॉर्न बच्चों के ऊपर बात, छोटे बच्चे जो मोस्टली घर पे ही रहते हैं, पर अब वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, यंग हैं, टीनेजर हैं, कॉलेज भी जाते हैं, वो भी एलर्जी बाहर से स्कूल से लेके आते हैं,
बच्चों से या मे बी आउटडोर एक्सपोजर से, सो उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं। देखिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे से एलर्जी उनको आ जाती है, तो ये इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी का, जिस बच्चे की बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, तो वो एलर्जी जल्दी कैच कर जाए, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो जाती है। और वो एलर्जी अगर बॉडी में ज़्यादा देर रहे तो वो ब्लड में और स्किन में भी आने शुरू हो जाती है और उसके अलग अलग सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये एलर्जी आपके शरीर से भाग सकती है। सो यंग किड्स को हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा होम रेमेडी या कोई ऐसी मेडिसिन जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ, आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिंस हैं जो इसमें काम करती है, जिसमें गिलोय है, हल्दी है, तुलसी है, और काफ़ी ऐसी मेडिसिंस हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में, एलर्जी को कम करने में हेल्प करती है। तो हमें देखना पड़ता है कि हर एक की बॉडी को एनालिसिस करके कि इस पेशेंट में, इस पर्सन में, इस बच्चे में एलर्जी का कॉज क्या है, कहाँ उसका सिस्टम ख़राब हुआ है, उस सिस्टम को देख के हम एलर्जी को ट्रीट करते हैं और इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, आउटडोर हम जाते हैं तो हमें छींकें लग जाती हैं, बच्चों को जुकाम हो जाता है, नेजल एलर्जी जिसे हम कहते हैं, उससे कैसे प्रिकॉशंस क्या है बेसिकली, और दवाई में कैसे उससे हमें हेल्प मिलेगी? जिन बच्चों को जल्दी नेज़ल एलर्जी होती है उनकी जो नेज़ल म्यूकोज़ा है वो वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी मेडिसिंस हैं। अगर घर में भी आप कुछ रेमेडीज़ करो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपके घर में अगर तुलसी है तो बहुत अच्छी बात है, उसके 4-5 पत्ते सुबह खाली पेट अगर लिए जाएं तो वो एलर्जी को कम करने में हेल्प करती है और बॉडी की इम्यूनिटी अगेंस्ट एलर्जी वो बढ़ती है। और सेकंड मोस्ट कॉमन चीज़ जो काफ़ी लोग करते भी हैं, दूध और हल्दी का यूज़, गर्म दूध में हल्दी को मिला के पीना, टेस्टफुल नहीं है बट वेरी यूज़फुल। ये बॉडी के सिस्टम को सेटल्ड करती है, लिवर को इन्हेंस करती है, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है और एंटी एलर्जिक बहुत अच्छी है हल्दी। तो अगर हल्दी की ही बात करें आगे, और हल्दी तो बोला गया है कि कैंसर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद मानी गई है जी, कि अगर हम डेली हल्दी का यूज़ या मिल्क में या किस किस तरह से और कर सकते हैं, जैसे दूध पी लिया हल्दी वाला, या हम सब्जी में भी, दाल में भी, सब में हल्दी डालते हैं, तो आप बताएं इसके बारे में। देखिए जो दाल सब्जी में हल्दी होती है उसका इतना मेडिसिनल यूज़ तो नहीं होता, बट वो डाइजेशन पर्पज़ के लिए अच्छी होती है। मेडिसिनल यूज़ में दूध और हल्दी, इसका एक सिस्टम है कि इसको यूज़ किया जा सकता है। कईयों को दूध अगर टेस्टी नहीं लगता तो वो हल्दी को ऐसे आधा चम्मच मुँह में डाला और गर्म पानी पी ले, या सिंपल पानी से भी उसको यूज़ किया जा सकता है। और हल्दी के काफ़ी तरह के और शीर पाक भी बनाए जाते हैं, पर कॉमन यूजेज में अगर हम ये दो यूज़ ही कर लें तो इतना ही अच्छा है। सो आपका कहना है कि हम अगर डेली, मतलब वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, या डेली पीना चाहिए हमें दूध हल्दी वाला? हल्दी वाला दूध रूटीन में भी पिया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में एक बार पिया जाए, कुछ देर इसका रूटीन में यूज़ करें, उसके बाद थोड़ा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखें कि अगर आप पी सकते हैं तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, इट इज़ ए नॉर्मल हर्ब विच गोज़ इनटू योर बॉडी, तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि हल्दी को अगर हम एक साल तक यूज़ करते रहेंगे तो उसकी बॉडी को इम्यूनिटी में कुछ ऐसा आ जाएगा कि उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर बीच में अगर आप गैप भी देते हो वो भी ठीक है। तो हल्दी के यूज़ आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और आपने भी बताया तो हल्दी के तो बहुत फ़ायदे हैं। और अगर आगे हम बात करें कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हमारी इन आयुर्वेदिक में अपना इलाज पूछ लेने की आयुर्वेदिक सिस्टम की इलाज। ओके, सो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अब बच्चों को एस्मा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाहर आउटडोर में पोलन से हमें जो एलर्जी मिलती है उसके बारे में आप मुझे बताएं।
देखिए ये बहुत कॉमन है आजकल बच्चों में, एस्थमेटिक होना, डस्ट एलर्जी होने, नेज़ल एलर्जी, फूड एलर्जी और पोलन से। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी की इनकम्पेटिबिलिटी है, उसकी ससेप्टिबिलिटी नहीं होती, तो इन चीज़ों से बचाव करने के लिए आपकी बॉडी को एक तो इम्यूनिटी का इन्हेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉमनली बच्चे जाते हैं, फूड शेयर करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये फूड उनको एलर्जी कर सकता है। जैसे कि उनको पीनट एलर्जी है, तो उस फूड में अगर पीनट है, बच्चे ने शेयर कर लिया, तो ये सीवियर एलर्जी हो सकती है। समटाइम चॉकलेट भी होती है जो पीनट वाली होती है जी, तो बच्चे एक दूसरे से खा लेते हैं, ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं जी। तो ऐसा है कि आपके बॉडी के सिस्टम का अगर आपकी फैमिली को नॉलेज है कि ये प्रॉब्लम इस बच्चे को है, तो बच्चे को ज़रूर गाइड करना चाहिए कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। पॉलन्स की एलर्जी सीजनल चेंजेस है, बहुत कॉमन है, लोग शाई करते हैं, बट अगर वो नाक को थोड़ा सा ढक के रखें तो इट विल बी हेल्पफुल। और नेजल म्यूकेजा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो है काउज घी, गौ का घृत, उसको नाक में दो बूंद सुबह शाम डालें दोनों नॉस्ट्रिल्स में, ये नेजल म्यूकोजा को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। और ये अंडर गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स या टेक्निकल एनालिसिस ही डालना है, ऐसे नहीं कि बच्चा अपने आप उठे और उसको डाल दिया, एक प्रिकॉशन के साथ डालना है। कई बार ओवरडोज ले लिया या ज़्यादा डाल लिया तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो बड़े तरीके के साथ उसको डालना है। माँ बाप ही लगाएं या उसको बच्चे के साथ करें ऐसा ट्रीटमेंट, ना कि खुद से बच्चा खुद करे जी। बच्चे को अपने आप ये चीज़ें नहीं करनी है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है आपको बताई गई कि ये हेल्पफुल हो सकती है। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछिए कि हम इस बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, अब इसमें एलर्जी में आप हमें आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएं कि आयुर्वेदिक कैसे ट्रीट करता है एलर्जीज को। देखिए आयुर्वेदिक एक नेचुरल सिस्टम है जो बॉडी को नेचुरल वे से ट्रीट करता है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बने, जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, उसने बॉडी में एलर्जेंस बनाने शुरू किए, तो इन एलर्जेंस को बनने से रोकना है सबसे पहले स्टेप में। अगर एलर्जेंस बनते जाएंगे, एलर्जी के कीटाणु बॉडी में बढ़ते जाएंगे, तो वो डिजीज़ बढ़ता जाएगा, तो इसको स्टॉप करना और इन टॉक्सिन्स को जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हैं या आपके टिश्यूज़ के अंदर हैं, इसको बॉडी से बाहर निकालना, जिसको कि डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। मोस्टली ये डिटॉक्सिफिकेशन मेडिसिन के द्वारा होती है, पर कई केसेस में पंचकर्मा भी करना पड़ता है। और बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हेंस करना है, जब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो फाइट करेगी डिजीज़ के अगेंस्ट और इस एलर्जी को ख़त्म करने में हेल्पफुल होगी। आगे हम डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एलर्जी का जो इलाज है वो भी आयुर्वेदिक में, वो कितना लंबा चलता है और पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो जाता है या कितना वक्त लेता है, वो उसके बारे में हमें बताएं। देखिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बताएं, जैसे मैंने बताया कि वे ऑफ ट्रीटमेंट ये है इसका, जैसे मैंने अभी बताया, तो हर एक पेशेंट की, हर एक पर्सन की बॉडी डिफरेंट है, उसमें रेशियो ऑफ एलर्जेंस डिफरेंट है। तो आयुर्वेद के मुताबिक अगर हम उसके सिस्टम को समझें, उसको चलाएं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि बॉडी में एलर्जेंस कितने डीप रूटेड हैं। अगर वो डीप रूटेड नहीं है, जस्ट आपके प्लाज्मा और ब्लड में है, तो उसमें से इजीली ये क्योर किया जा सकता है और उसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे जैसे एलर्जेंस डीप रूटेड हो जाएंगे, जैसे मांस में चले गए, अस्थि में चले गए और बॉडी के डीप टिश्यूज़ में चले गए, तो वहाँ से उसको निकालना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हर एक की बॉडी में हमें ये कहना मुश्किल होता है कि कितना टाइम लगेगा, तो हम क्वार्टरली 3 महीने ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कल है 90 to 120 days का होता है, उसमें सेल चेंज होते रहते हैं, तो 90 to 120 days में हमें पता लग जाता है कि इसकी बॉडी में ये ग्रोथ बंद हो गई, बॉडी डिटॉक्स हो रही है और बॉडी इम्प्रूव कर रही है। तो इस तरह हर एक पेशेंट में थोड़ा डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, डिफरेंट टाइम फ्रेम है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज आपने जो एलर्जी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी है, बहुत ही यूज़फुल है दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच।